Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल जंगी जुर्म है। इंसानी तारीख में पहली बार बड़े पैमाने पर शहरियों को अंधा किया गया। भारतीय फौज कश्मीरियों की तहरीके आजादी दबाने की कोशिश कर रही है। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी का जनरल असेंबली की कमेटी से खिताब। सेक्रेटरी ख्वाजा तहमीना जंजुआ की क्यादत में पाकिस्तानी वक्त बॉस को चला गया, कल शंघाई। बांग्लादेशी हुकूमत ने एक बार फिर जमात इस्लामी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर समेत 9 रहनुमा गिरफ्तार, पहले भी कई रहनुमाओं को फांसियां दी जा चुकी हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं इस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ मिली हुई है। नवाज शरीफ ज्यादा सजा के हकदार थे, अदालत ने कम सजा दी, अब इनकलाब शरीफों के घर से आएगा। सिंध में लोगों को पीने का साफ पानी तक मयसर नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोगों की आवाज बनेंगे, पाक सरजमीन पार्टी के कायद मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कुछ रोज की पढ़ाई तलबा ने खुद गवाई, बाकी दिनों में हड़ताल पर हैं टीचर। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में कॉलेजों के असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल कर दी, तालीमी सरगर्मियां ठप। असातिज़ा की बनी गाला में धरने की भी धमकी। बेनजीर भुट्टो के कत्ल के फौरी बाद जाए वारदात धुलवाने वाले पुलिस अफसर खुर्रम शहजाद ओहदे पर बहाल, एसएसपी स्पेशल ब्रांच तैनात। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 17 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसे लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। कोर्ट में सीटीडी रिश्वत केस की समाअत, आपका कहना है जेल सुपरिटेंडेंट और राजा उमर खताब ने आपको अगवा कराया। जस्टिस नेमतुल्ला का दरखास्त गुजार सरमद सिद्दीकी से सवाल, जी इन्हीं अफसरान ने अगवा कराया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। मुद्दई का जवाब, आप हल्फनामा जमा कराएं, हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जस्टिस नेमतुल्ला के रिमार्क, समाअत 8 नवम्बर तक मुलतवी। मरीजों को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाना और भी हुआ आसान, वजीर आला पंजाब ने लाहौर में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। जर्मनी में पीआईए का तैयारा फरोह करने की तहकीकात चल रही है। साबिक जर्मन सीईओ इंक्वायरी में मुलविस पाया गया। मुशीर हवाबाजी शेख आफ्ताब का कौमी असेंबली में मौकिफ, डेप्टी स्पीकर ने कहा कि पीआईए के बाकी अफसरान भी मुलविस हो सकते हैं, तहकीकात होनी चाहिए। आज से 3 रोज तक कराची और सिंध के दीगर साहिली इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ेगा। शहर कायद में पारा 37 डिग्री पर पहुंच गया। गर्म मौसम में आवाम एहतियात करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। दीर बाला के बारकंद पुल पर चलना पुलिस सरार पर चलने के मुतरादिफ हो गया। कुछ अरसा कबल तामीर किया गया पुल दरमियान से टूट गया। आवाम जान जोखों में डालकर सफर करने पर मजबूर, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई और मुतबादिल रास्ता फराहम करने का मुतालबा। कल ये डायना की वजह से टूट गया, तकरीबन हजारों लोग जो है ना मुतासिर हुए इस पुल से। अहबाबी इख्तियार से हमारा ये मुतालिबा है कि इसके मतलब पूरी आप रिपोर्ट मांगे, इस पर कार्रवाई करे। तकरीबन हमारा कनेक्शन आन आ जाना बिल्कुल, उसकी अपनी भी कोई सेफ वो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। यूँ भी एक डंडे से वो आदमी क्या करेगा, असला तो रख नहीं सकते। आजकल असले के लिए वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर हमें कोई ऐसी इजाज़त दी जाए कि हम भी कोई अपनी भी सेफ्टी करें ना, कोई आ गया तो उसके साथ सिर्फ डंडे से तो नहीं मुकाबला करें। जमाना बदल गया मगर मुल्क में चौकीदारी का निजाम ना बदला। रातों में आवाम की हिफाजत पर मामूर चौकीदार आज भी गैर मुसल्ला, सिर्फ डंडे से जदीद असले से लेस मुल्जिमान का सामना कैसे किया जा सकता है, क्या कोई इस तरफ तवज्जा देगा?
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग बेकाबू, 10 अफराद हलाक, 1500 से जायद इमारतें जलकर राख हो गईं, हजारों अफराद घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल, फिजा पर छाया धुआं, तैयारों में बैठे मुसाफिरों को भी नजर आ रहा है।